भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अभी तक 35 ओवर के खत्म होने तक 161 रन बना के अपने 4 विकेट गंवा चुकी है। वहीं T20 में जिस बल्लेबाज ने जमकर तूफान मचाया था ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने वनडे में भी अपना तूफान दिखाना शुरू कर दिया। अभी तक ग्लेन मैक्सवेल 36 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 34 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस बीच उन्होंने 5 चौके जड़ दिए हैं। वहीं उनका साथ दे रहे हैं एस्टन टर्नर, 16 गेंदों का सामना कर चुके हैं, अभी तक 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, 1 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया है टर्नर ने। वहीं दिलचस्प बात यह है कि 4 विकेट के नुकसान के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और 161 रन बना चुकी है। वहीं अभी तक ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से सबसे शानदार तरीके से बल्लेबाजी किया उस्मान ख्वाजा ने। ओपनिंग करने आए थे उस्मान ख्वाजा, 50 रन बनाए और उसके बाद आउट हो गए। कुलदीप यादव ने इनका विकेट निकाला, 76 गेंदों का सामना किया था। ख्वाजा ने 50 रन पूरे किए 5 चौके और 1 छक्के की मदद से। वहीं कप्तान एरन फिंच का बल्ला एक बार आज फिर से शांत रहा, सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया कप्तान ने, 1 भी रन नहीं निकले इनके बल्ले से। मार्कस स्टोनिस लय में नजर आ रहे थे आज, 53 गेंदों का सामना किया था, 6 चौके जड़ दिए थे, 37 रन बनाकर स्टोनिस भी आउट हुए। उसके बाद पीटर हैंडसकॉम्ब ये भी ठीक ठाक नजर आ रहे थे, 30 गेंदों का सामना किया था, 1 चौका जड़ा था, 19 रन बना के आउट हुए। बहरहाल देखना होगा कि ग्लेन मैक्सवेल आज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक 34 रन बनाकर खेल रहे हैं और इनका 7 टर्नर दे रहे हैं, 161 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी के 14 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम कितने रन और बना लेती है और भारतीय टीम को कितना का लक्ष्य देती है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।